नमस्कार, मैं हूं स्नेहा पात्रों और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो गिरिडीह लोकसभा सीट से जयराम महतो के निर्दलीय चुनावी लड़ाई को लेकर तमाम अटकलों पर विराम तो लग गया, लेकिन पीडीजे की अदालत ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। दरअसल जयराम महतो और दिलीप रवानी पर 1 मई को नामांकन के बाद सभा के दौरान पुलिस हिरासत से भागने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है, और इसी आरोप के तहत पीडीजे कोर्ट ने जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो और दिलीप रवानी को बेल नहीं दिया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से डायरी मांगी गई है। झारखंड में लोकसभा चुनाव जल्द ही शुरू हो जाएंगे, ऐसे में क्या जयराम महतो की परेशानियां बढ़ेंगी और चुनाव में इसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ आलोक रंजन और स्टेट हेड अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख अरविंद जी आपका करेंगे। एक ओर जहां टाइगर जयराम महतो को रांची कोर्ट ने राहत दी है कि कोई पीड़क कार्रवाई उन पर नहीं होगी, वहीं धनबाद कोर्ट ने उनके बेल को अटका दिया है, क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए स्नेहा, जयराम महतो के नॉमिनेशन के बाद से ही तरह तरह की बातें आ रही थी कि क्या उनका नॉमिनेशन रद्द होगा या नॉमिनेशन प्रस्तुत किया जाएगा। ये तमाम चीजों पर अटकल जो लगाई जा रही थी उस पर कल विराम लग गया, क्योंकि चौथे सेट का जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया था उसे स्वीकार कर लिया है। अब जयराम महतो चुनावी मैदान में है, अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वह अंदर रहेंगे बाहर, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर रखी है कि जिस तरह से अपार जन समर्थन उसे मिल रहा है वे जेल के अंदर भी रहेंगे तो वे चुनाव जीतेंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ में ये खुलकर कहा है कि वे बिना प्रचार के भी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। तो अब जेल के अंदर रहेंगे, बेल उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वे उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजों की जो अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि अब वे चुनाव मैदान में रहेंगे निर्दलीय रूप से, और ये दोनों दलों के, चाहे तो वे एनडीए गठबंधन के प्रकाश चौधरी हो या इंडिया गठबंधन के मथुरा प्रसाद महतो, दोनों के लिए वे सरदार बने रहेंगे। जी नेहा, लेकिन अरविंद जी, जैसा कि पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले थे जयराम महतो, उसके बाद उनका एक तरफ से कह सकते हैं अता पता नहीं था, गायब बताए जा रहे थे। इसी के बीच जो है बेल की याचिका उन्होंने दाखिल की और अब जो है बेल को रोक दिया गया है, अंतरिम जमानत उनको नहीं मिला है, तो क्या ये हो सकता है कि पुलिस उन्हें फिर से गिरफ्तार कर ले? देखिए, पहला जो केस था जो विधानसभा घेराव वाले मामले में उन्होंने उस मामले में हाईकोर्ट में उन्होंने जो अर्जी लगाई थी उसमें पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाती है, लेकिन जो पुलिस के कस्टडी से फरार होने का मामला है इसमें हो सकती है कि उनकी गिरफ्तारी हो, अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई है तो उन्हें सरेंडर का, ये दो ही रास्ता है, या तो सरेंडर करना पड़ेगा और या तो फिर जमानत के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी ऊपरी अदालत में। तो अब देखना यह होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो बातें चल रही थी, जो तमाम अटकलें थी कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर विराम लग चुका है और वे निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में है। अब कानूनी प्रक्रिया जो है वो देखने की बात होगी कि जयराम महतो इससे कैसे निकल पाते हैं। जी स्नेहा जी, बिल्कुल, तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसी से आलोक जी आपके पास जाएंगे कि जैसा कि बीते दिनों हमने देखा काफी उथल पुथल मची रही गिरिडीह की सियासत में, ऐसे में क्या लगता है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जयराम महतो, वहीं उनके विपक्ष में दो दिग्गज हैं, क्या लग रहा है गिरिडीह लोकसभा चुनाव जो है इस बार क्या कुछ रंग लेकर आएगा? बिल्कुल, अगर गिरिडीह लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो दिग्गज तो यहाँ जरूर लड़ रहे हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं और इस बार भी जो गठबंधन है राजग ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा या एनडी गठबंधन जिसे हम कहते हैं उसकी ओर से मथुरा महतो, जो कि वो भी काफी दिग्गज है, टुंडी के वर्तमान विधायक भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है, वो अभी मैदान में है। अगर भीड़ का आकलन करें, भीड़ को अगर पैमाना बनाया जाए तो भीड़ तो सभी को नॉमिनेशन में आएगी, चाहे वो चंद्र प्रकाश चौधरी के नॉमिनेशन की बात करें या फिर मथुरा महतो के नॉमिनेशन की बात करें। जयराम महतो के नॉमिनेशन में जो भीड़ आए, जयराम महतो का दावा है कि वो स्वतः स्फूर्त भीड़, जिसको बोलते हैं, वो प्रायोजित भीड़ नहीं थी, वो आई। बाकी के दो प्रत्याशी भी कहते हैं कि वो भी प्रायोजित भीड़ नहीं थी, स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, पर नॉमिनेशन में या रैलियों में भीड़ कैसे आती है वो हम सबको आपको पता है। दूसरी बात अगर करें कि जयराम महतो की मौजूदगी से क्या असर पड़ेगा, तो सोशल मीडिया पर जयराम महतो और उनके जो लोग हैं वो काफी एक्टिव दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ इलाकों में एक यूथ जो है
और कुछ खास वोटर्स जो है वो उनके साथ हैं, काफी मजबूती से उनके साथ हैं। और जयराम महतो का जो अंदाज है, अंदाज एक बयान जिसको कम कहें, वो अंदाज उनका कुछ अलहदा है बाकी लोगों से। वो एक यूथ आइकन के तौर पर उभर रहे हैं और उनकी बातों में एग्रेशन है और युवाओं को एग्रेशन काफी पसंद होता है, तो इसलिए युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर ये अब वो निर्दलीय तो मैदान में है, चुनाव प्रचार में कितना आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि चुनाव जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए वो कितना आ पाएंगे, लेकिन उनके लोग अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अगर वो चुनाव प्रचार में आ पाए तो एक असर जरूर छोड़ेंगे। जयराम से मेरी भी जब भी बात हुई है, एक दो बार उनसे बातचीत हुई, तो उनके अंदर जो एग्रेशन है तो कुछ इलाकों में तो उनकी पकड़ है। अभी कुछ दिनों पहले मैं क्षेत्र में भी था, तो क्षेत्र में जिन लोगों से बात हुई तो अधिकांश जो युवा हैं वो जयराम महतो से प्रभावित दिखते हैं और कुछ तो असर वो जरूर डालेंगे। अब रह गया कि वोटों में ये कितना बदलता है, अभी चुनाव में देरी भी है, गिरिडीह का मतदान जो है वो 25 तारीख को होना है, तो अच्छी खासी देरी है, तो दिक्कत उनके सामने है। ऐसे में ये वक्त ही बताएगा कि वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे, लेकिन प्रभाव वो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो डालेंगे, इसमें कहीं के तो नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा यूथ आइकन है जयराम महतो, काफी प्रभावित करते हैं युवाओं को ही नहीं, जबकि मजदूर और गरीब जो है इनका जब भी जन समर्थन जो काफी भारी मात्रा में है इनके टाइगर जयराम महतो के साथ। और जैसा कि जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी उस वक्त ही जन सैलाब हमने देखा कि किस तरह से समर्थकों ने पुलिस को रोक दिया कार्रवाई करने से, गिरफ्तारी करने से, लेकिन जन समर्थन जो है अभी भी बरकरार है जयराम महतो के साथ। तो अरविंद जी, क्या लगता है जो ये जन समर्थन दिख रहा है, जो भीड़ तंत्र दिख रही है गिरिडीह लोकसभा चुनाव में, क्या इसके असर जो है जेएमएम और बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? नेहा, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का कोई महत्व नहीं होता है, भीड़ का अलग अलग चेहरा होता है। सबसे बड़ी बात है कि किसके पक्ष में मतदाता गोलबंद होकर मतदान करने जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। निश्चित तौर पर जयराम महतो एक युवा आइकॉन के रूप में उभर कर सामने आया है, आज कह सकते हैं कि युवाओं के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। और उनका जो ठेठिया अंदाज कह सकता है, झारखंडी अंदाज है, झारखंडी भाषा में जिस तरह से वे चैलेंज करते हैं या जिस तरह से वे अपना अपनी बातों को रखते हैं, निश्चित तौर पर युवाओं को, खासकर ग्रामीण इलाके के युवाओं को वो अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। यही कारण है कि आज जयराम, टाइगर जयराम महतो बन चुका है झारखंड के, झारखंड के पहचान में। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से दूर दूर तक रहने वाला आज अचानक लोकसभा में कूदा है और उनके जो पीछे समर्थकों की भीड़ दिखाई देती है, तो ये तो बात कहना सही है कि वे क्या परिणाम दे पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो दो दिग्गज हैं, चाहे तो एनडीए गठबंधन के हो या इंडिया गठबंधन के, वे दोनों की नींद तो जरूर उड़ा दिए हैं। अब देखना होगा कि अगर प्रचार प्रसार में भी वो कूद पाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया है, अगर वो कूद पाते 27 मई तक चुनाव प्रचार चलेगा, 27 मई के शाम तक। अब इस दौरान जयराम महतो क्या रणनीति होगी, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो युवा समर्थक है, चाहे शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, उन लोगों का कहना है जयराम महतो का उम्मीदवारी ही काफी है और वे बिना प्रचार के भी जीत सकते हैं। तो ये दावे जो किए जा रहे हैं बहुत बड़े दावे हैं। अब जीत हार का फैसला तो मतदाता करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जयराम महतो के आने के बाद गिरिडीह में लड़ाई त्रिकोणात्मक होती दिखाई दे रही है। अब कौन सा वर्ग को कौन प्रभावित कर पाता है, कौन अपने मतदाताओं को कितना मतदान केंद्र तक ले जा पाता है, ये तमाम चीजों को देखना होगा और वही रिजल्ट का परिणाम बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कहा जा सकता है कि एनडीए के गठबंधन में चूंकि भाजपा का समर्थन है चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ, और अब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनका कार्यक्रम 16 तारीख को कोडरमा लोकसभा जो गिरिडीह से सटा हुआ इलाका है बिरनी में है, तो एक हवा का रुख चलेगा, तो वो कितना प्रभावित करेगा ये चुनावी प्रक्रिया को, तो ये तमाम चीजें देखने की बात होगी। मथुरा महतो के समर्थन में भी कई कद्दावर नेता, चाहे तो गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू की बात की जाए या तो अन्य जो उनके समर्थक हैं उनकी बात की जाए, वे भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। खुद कल्पना सोरेन गांडे के इलाके में सक्रिय होने के साथ साथ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भी आए दिन सक्रिय दिखती है, तो कहा जा सकता है कि पूरा कुनबा एनडीए और यूपीए का इंडिया गठबंधन का लगा हुआ है। लेकिन जयराम महतो की जो तैयारी है, युवाओं की खासकर, तो युवाओं की फौज अपने पीछे खड़ा किए हैं, निश्चित तौर पर
चुनाव को एक दिलचस्प मोड़ दिया है। अब ये देखना होगा कि जयराम महतो प्रचार प्रसार में कूद पाते कि नहीं, इसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी इतना जरूर कह सकते हैं कि जयराम महतो की उम्मीदवारी ने, जयराम महतो की दावेदारी ने गिरिडीह लोकसभा को त्रिकोणात्मक लड़ाई की ओर ले गया है। अब सबकी निगाहें होगी कि कैसे मतदाताओं को प्रभावित किया जाए, मतदाताओं को लुभाया जाए, क्योंकि लोक लुभावन नारों के साथ सभी मैदान में है। चाहे तो आरक्षण की बात की जाए या संविधान की बात की जाए या स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, इन तमाम चीजों को पकड़कर लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब मतदाता पसोपेश में है कि वे किन की बातों को यकीन करें। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से लोगों का अपना कुछ वोट बैंक है, जैसे एनडीए के पास चाहे तो आजसू हो या भाजपा, उसका एक वोट बैंक खास है, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना जनाधार है, कांग्रेस उनके साथ है, आरजेडी उनके साथ है, भाकपा माले उनके साथ है, तो इसका भी असर दिखाई देगा। लेकिन जयराम महतो जो फौज खड़ा किए हैं, वे कितना इसमें जूझ पाते हैं, वे कितना अपना हवा बना पाते हैं, इसी पर देखना होगा कि गिरिडीह लोकसभा। लेकिन इतना है कि गिरिडीह लोकसभा में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। जी स्नेहा जी, बिल्कुल, चुनाव प्रचार प्रसार जो होते हैं वो काफी अहम भूमिका निभाती है जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव में। लेकिन यहाँ पर जो बेल पे रोक लगा दी गई है, इससे यही सवाल उठ रहा है कि चुनाव प्रचार प्रसार में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं जयराम महतो, ये बड़ा सवाल है। आलोक जी, क्या लगता है, जयराम महतो को बेल अगर नहीं मिली तो चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं थम जाएगा JBKSS की ओर से? फिर भी जो दावे किए जा रहे हैं कि उम्मीदवारी ही काफी है, प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं, क्या लगता है इन दावों से जो है जीत सुनिश्चित हो सकती है JBKSS की? क्योंकि 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, सिर्फ गिरिडीह लोकसभा सीट की बात नहीं है, JBKSS ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। बात करें तो जयराम महतो ने खुद को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है इन दिनों, उससे एक बात तो साफ है, और ये काफी दिनों के बाद यहाँ गिरिडीह में ऐसा हुआ है कि गिरिडीह का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय तो निश्चित दिख रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन त्रिकोणीय यहाँ का चुनाव निश्चित हुआ है। जयराम महतो एक मजबूत पक्ष के रूप में उभरे हैं। और जो दूसरी बात है कि जयराम महतो के आने से, उनके भाषणों से, उनके अपने प्रस्तुतिकरण से एक जो हालात और एक जो माहौल पैदा हुआ है, वो जो मुद्दे हैं एनडीए के या एनडी गठबंधन के, उससे हट के ये मुद्दा जयराम महतो लेकर आए हैं। स्थानीयता का मुद्दा, खतियानी का मुद्दा, स्थानीय भाषा में वो बात करते हैं, तो जो वोटर है, स्थानीय वोटर है, जो खास करके उनके इलाके का वोटर है, वो खुद से अपने उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। उसे लगता है कि हमारे ही बीच का लड़का है, हमारा ही बेटा है, हमारा ही भाई है, और ये हमारी ही बात कर रहा है, हमारे ही अंदाज में बात कर रहा है। और जिस तरह से जयराम महतो अभी सामने निकल कर आए हैं, तो अगर वो चुनाव प्रचार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तो एक मामला जो पीड़क कार्रवाई उसमें तो नहीं होगी, उस मामले में अगर बात करें तो वो सामने आ सकते हैं। पर ये दूसरा मामला जो अभी वो जो हिरासत से निकल कर चले गए थे, वो मामले उस मामले में अभी एक तलवार उन पर लटक रही है, तो उसको वो कैसे टैकल करते हैं, उनका उनके निश्चित है उनका एक ग्रुप होगा, कानूनी जानकार होंगे, उसको किस तरह से वो टैकल करते हैं वो तो आगे देखने की बात होगी। लेकिन अभी जो हालात है उसमें जयराम महतो अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ कि जयराम महतो की शुरुआत और जयराम महतो लोगों के जहन में सोशल मीडिया के माध्यम से आए। जब ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से वो इस माध्यम से लोगों के जहन में आए, और अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके लोग लगातार उनकी बातें, अभी वो जब नहीं भी हैं सामने नहीं है, फिर भी वो लगातार उनकी बातें सामने आ रही हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार चल रहा है, माहौल बनाने का प्रयास चल रहा है। और इसका ही एक असर है कि ये जो दो दिग्गज हैं, जो दो पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव लड़ने का गुर जिनके पास है, अभी आप देखेंगे कि ये भी सोशल मीडिया पर आजकल दिखने लगे हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी का भी सोशल मीडिया ग्रुप एक्टिव हो गया है, मथुरा महतो का भी सोशल मीडिया ग्रुप एक्टिव हो गया है, इन लोगों ने भी लोगों को हायर किया है, ये लोग भी अब रील्स बनाकर, अभी नॉमिनेशन के रील्स चल रहे हैं, अलग अलग बयानों के रील्स चल रहे हैं, तो ये एक असर तो जयराम महतो ने छोड़ दिया है कि ये जो दिग्गज हैं, इनको लग तो रहा है कि जरूर इस माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तो जयराम की ताकत यही माध्यम लग रही है फिलहाल, तो इस माध्यम पर वो भी नजर आ रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि जयराम महतो के आने का
है तो थोड़ा बहुत इन दोनों के अंदर में जरूर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है और युवा मतदाता जो है इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इन्हीं मतदाताओं को अपनी ओर करने में सक्षमता दिखाई है जयराम महतो ने, तो इस तरह से एक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मथुरा प्रसाद महतो हो या सीपी चौधरी, उन दोनों को टक्कर देने में काबिल है जयराम महतो। और ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला जो दिख रहा है गिरिडीह लोकसभा सीट में, ये काफ़ी रोचक और दिलचस्प होने वाला है। और जिस तरह से जनाधार बनाया है जयराम महतो ने, तो कह सकते हैं जो 1932 खातियान है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, इन सब जन मुद्दों को लेकर जयराम महतो जो है काफी लोकप्रिय हुए हैं जनता के बीच। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है आलोक जी कि अगर सीपी चौधरी की बात की जाए, आजसू की ही सीट रही है गिरिडीह काफी समय से, और यही जेएमएम की भी बात की जाए, तो इन दोनों पक्षों से ये मुद्दे जो है उठाए नहीं गए हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? विस्थापन का भी मुद्दे इसमें आप जोड़ सकती हैं। जयराम महतो ने विस्थापन के मुद्दे को भी काफी गंभीरता के साथ और काफी मजबूत तरीके से उठाया है और जो विस्थापित हैं वो भी उनके साथ अभी दिखते हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी और इनकी बात करें, एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ इस बात आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि जयराम महतो लड़ाई में दिख जरूर है लेकिन गिरिडीह लोकसभा का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा क्षेत्र है। गिरिडीह लोकसभा में जो परिणाम सामने आएंगे वो किसी एक दो विधानसभा में वोट पड़ने के आधार पर आएंगे नहीं। यहाँ पर टुंडली विधानसभा भी है, गिरिडीह विधानसभा भी है, टुंडली है, बागमारा है, तो गुमिया है, तो इन विधानसभाओं में जो वोट पड़ेंगे उसके आधार पर आप देखेंगे कि चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। जयराम महतो की पकड़ की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि टुंडली का क्षेत्र जो मथुरा महतो का बहुत मजबूत गढ़, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि टुंडी के क्षेत्र में मथुरा महतो की बहुत मजबूत पकड़ है। वहां कितनी सेंध पारी कर पाएंगे जयराम महतो ये भविष्य में छिपा है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भाजपा एक मजबूत स्थिति में दिखती है। ये जरूर है कि चंद्रप्रकाश चौधरी से भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के वोटर्स भी कुछ नाराज हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो आखिर वो जाएंगे किधर? जो कट्टर समर्थक होता है, जो कट्टर वोटर होता है वो कहाँ जाएगा? तो उसका वोट किधर जाएगा? क्या उसको अपनी तरफ ढूंढने में जयराम कामयाब होंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर जयराम मजबूत दिखते हैं, हालांकि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, आज की प्रत्याशी थी यशोदा देवी, वो करीब 80-90 हजार वोट लेकर आई थी, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो आजसू की पकड़ काफी अच्छी है, लेकिन उस चुनाव में जयराम बिल्कुल शांत बैठे थे। उस चुनाव में उन्होंने वो सामने नहीं आए थे, और आप प्रत्यक्ष तौर पर कहें तो उनका समर्थन निश्चित तौर पर देवी के साथ, जेएमएम प्रत्याशी उनके साथ दिखता प्रतीत होता था। अब जब जयराम सामने हैं तो उनका वोटर उनको वोट देगा। अपने 1932 खतियान की बात कही तो ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ वोटर्स तो इस मुद्दे को लेकर आपसे जरूर आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसमें भाजपा के जो वोटर्स हैं, जो भाजपा के वोटर्स हैं, वो हो सकता है कि उनको थोड़ी नाराजगी हो जाए, इसलिए शायद बाकी के जो ये जितेंद्र प्रकाश चौधरी हैं वो इन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी जो है अक्सर इन मुद्दों से बचती नजर आई है। जो एमएम भी दावा करती है अरविंद जी कि इन सारे मुद्दों को सत्ता में आने के बाद जामुमो ने ही उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मामलों में उतनी भी एक्टिव नहीं नजर आती है सत्तासीन होकर भी जामुमो। लेकिन यहीं पर अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जयराम महतो की बात की जाए, तो जैसा कि 1932 खातियान है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, ये तीनों ऐसे अहम मुद्दे हैं जो जनता को आकर्षित करते हैं। कहीं ना कहीं मैक्सिमम जनता जो है ये चाहती है कि इन सारे ये कानून जो है आए और ये जन मुद्दे जो है उनके उम्मीदवार जो है जिनको वोट करेंगे वो उठाए इन चीजों को। आसानी नीति का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, इसी की लड़ाई का उपज है जयराम महतो। तो जयराम महतो ने इसलिए इस मुद्दे को पकड़ा। हालांकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित ज्यादा होता है, स्थानीय मुद्दों पर कम होता है। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, इन लोकसभा में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, इसलिए जो भी प्रत्याशी है वो राष्ट्रीय मुद्दों को साथ लेकर है। अब मैं बता दूं कि अभी स्थानीय मुद्दे एक तरह से कहें स्थानीय मामले गाउन है। अब जहां एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी
प्रधानमंत्री मोदी के क्रियाकलापों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं मथुरा महतो या उनके जो समर्थक है जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वे जो मुद्दों को लेकर जा रहे हैं उसमें संविधान को खतरे में बताकर और आरक्षण को खतरे में बताकर जनता के बीच जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी है, इसलिए स्थानीय मुद्दे गौण हो गए हैं। और मैं बता दूं कि इनके विपरीत जयराम महतो ने जब नारे बुलंद किए थे चुनाव के पहले, जब कुछ सभाएं की थी चाहे गिरिडीह का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र में जब उनकी सभाएं हुई थी, तो उन्होंने ताल ठोककर दोनों को कहा था कि चाहे स्थानीय सरकार हो यानी कि झारखंड सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जयराम महतो ने ताल ठोककर कहा था कि अगर वे चुनाव जीत कर आते हैं तो इन मुद्दों के समाधान के लिए पूरी शक्ति झोंक देंगे। तो कहा जा सकता है कि जहां पर दोनों बड़े दल के नेता जो है अपने प्रत्याशी कहें, वे जहां राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जनता को या मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जयराम महतो अपने अपने जो ग्रामीण वोटर हैं उसको लुभाने का प्रयास कर रहे थे। सबसे बड़ी बात एक बात और बता दें स्नेहा कि अगर जयराम महतो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए तो इसकी कमी निश्चित फैलेगी, ना सिर्फ गिरिडीह सीट पर जहां जहां से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लीडर अगर नहीं रहे तो निश्चित तौर पर बिखराव देखने को मिलता है टीम में। लेकिन जयराम महतो का जो आवाज है, जयराम महतो की जो हुंकार है, वो सुनने को दीवाने हैं उनके समर्थक, और अगर ये सुनाई नहीं देता चुनाव में तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उनके समर्थकों को उनको और उनके लोगों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है या जो न्यायिक प्रक्रिया से वे निकलकर बाहर आ जाते हैं और उन्हें दो चार दिन का भी समय मिलता है तो निश्चित तौर पर वे माहौल बदल सकते हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें होगी कि जयराम महतो का अगला कदम क्या होता है, और कोर्ट में उनके जो वकील हैं उन्होंने जो अर्जी लगाई है बेल की, उस पर कोर्ट का क्या निर्णय होता है, इन तमाम चीजों को देखना होगा। और 27 तारीख तक गिरिडीह लोकसभा में चुनाव प्रचार चलेगा, 27 तारीख के शाम तक। इनके इससे पहले, चूंकि आज 8 तारीख हो चुका है और कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो अब क्या होता है निर्णय, इस पर देखना होगा। फिर इतना तो बात तय है कि जयराम का नाम खलबली तो मचा दिया है दोनों खेमे में, अब रिजल्ट क्या होगा ये तो 4 दिन को पता चलेगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि गिरिडीह लोकसभा के लड़ाई को, गिरिडीह लोकसभा के चुनाव को जयराम ने पूरी तरह दिलचस्प बना दिया है। जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये चुनावी यात्रा जो है जयराम महतो की पहली चुनावी लड़ाई है, और इसमें आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी और आलोक जी हमसे जानकारियां साझा करने के लिए और दर्शकों को सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये बड़े दावे हैं कई राजनीतिक पार्टियों से, कई चुनौतियां हैं, और ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है गिरिडीह लोकसभा सीट में देखने को मिल रहा है, आगे क्या कुछ परिणाम होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जयराम महतो की जो चुनावी यात्रा है इसमें एक के बाद एक पन्ने जो है खुलते जा रहे हैं, आगे और क्या कुछ निकल कर आएगा, कोर्ट का क्या फैसला होगा, अब चुनाव प्रचार प्रसार में जो सुई अटकी हुई है वो कहाँ आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए जनता से गुजारिश रहेगी, देखते रहें रफ्तार मीडिया।